आर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया बोला जाता है। आर्थराइटिस मुख्य तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस होता है। जब कोई मरीज आर्थराइटिस की बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसके घुटनों में दर्द होगा, अन्य जोड़ों में दर्द होगा। स्पेशली अगर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सुबह उनके जोड़ों में आधे घंटे से पौने घंटे तक की लिए जकड़न होगी। मुख्य तौर पे आर्थराइटिस का इलाज तीन तरीके से संभव है। इसके लिए आप दवाइयाँ दे सकते हैं जिनको कि हम नी सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या आपकी जीवन शैली में कुछ चेंज करने पड़ते हैं। जैसे आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कम कर दीजिए, जमीन पे मत बैठिए या आलती पालती मार के मत बैठिए। हम इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस सुझाते हैं जिससे आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और आपको आर्थराइटिस के दर्द में आराम मिलता है। और हम आपको बोलते हैं कि इसमें आप स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल करिए ताकि जोड़ों पे, स्पेशली घुटनों पे कम जोर आए। घुटनों में हाइलुरोनिक इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिसको सरल भाषा में ग्रीस वाला टीका भी बोला जाता है। अगर कोई मरीज आर्थराइटिस की बीमारी से इतना ग्रस्त हो जाए कि वो चलने फिरने में लाचार हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ उतर ना पाए, रात को नींद दर्द की वजह से टूटे या उनको बार बार दर्द की दवाई लेनी पड़े या घुटने टेढ़े हो जाए, तो फिर हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट और या आखिरी विकल्प के रूप में ऑपरेशन सुझाते हैं जिसको हम नी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं।